प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम के तहत रांची के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में भी बच्चों प्रधानमंत्री के कार्यक्रम दिखाए गए। इस मौके पर सांसद संजय सेठ ने बच्चों को परीक्षा के कई टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री साल 2018 से ही बच्चों को परीक्षा में तनावपूर्ण मुक्त रहने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में देश भर से करीब 35 लाख बच्चे न लाइन थे, लगभग 25 लाख प्रश्न आए। बच्चों ने सीधे देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा और अपने डाउट क्लियर किए। मौके पर पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी सफल विद्यार्थियों के बीच सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। देखिए प्रधानमंत्री जी 2018 से परीक्षा पे चर्चा और कैसे तनाव मुक्त होकर परीक्षा देना, परिणाम अच्छा आना, और आज देखो आप लगभग पूरे दुनिया से हम कह सकते हैं 35 लाख बच्चे ऑनलाइन थे और लगभग 25 लाख प्रश्न आए। यह प्रधानमंत्री जी का सीधे छात्रों से जुड़ना, और आज तो उन्होंने कहा कि जैसे अब गजट हम पे हावी हो रहा है, उन्होंने कहा गजट पे आप हावी हो या गजट आप पे हावी हो, और उन्होंने कहा कि गजट जो है लोग 6-6 घंटे बच्चे देखते हैं, जिसका परिणाम होता है हम गजट के गुलाम हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ गजट सोशल मीडिया में रहना चाहिए, हमको तो करना चाहिए, लेकिन टाइम लिमिटेशन होना चाहिए। मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर हम 1 घंटे से ज़्यादा गजट के इस्तेमाल नहीं करें। उन्होंने कहा परिवार में देखो माता पिता के साथ हम कहीं बैठते हैं तो हर लोग गजट देखते रहते हैं, इससे क्या हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर पीछे छूट रहा है। उन्होंने कहा घर में एक स्थान बनाओ कि जहाँ एक स्थान पे हम भाई बहन माता पिता बिना गजट के बैठें। उन्होंने कहा परिणाम अच्छे आएंगे। कैसे परिणाम अच्छे आए उसके लिए उन्होंने बहुत फोकस किया, और उन्होंने कहा माता पिता को भी शिक्षा दी, हमेशा बच्चों को टोका टोकी मत करो कि देखो ऐसा मत करो, देखो वो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, कि उससे हमारे बच्चों में इन्फर्टी आती है। तो बच्चों को ज़्यादा टोका टोकी न कर उनको बेहतर परिणाम कैसे आए, इस पर उन्होंने चर्चा की। पूरी तरह प्रधानमंत्री जी ने लगातार 1.5 घंटे तक बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दिए, कैसे हम तनाव मुक्त होकर अच्छी जिंदगी, अच्छा हम बनने कोशिश करें, इस पर पूरा फोकस था। और गुरु नानक स्कूल में आज बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, और वहाँ जो पेंटिंग आर्ट कंपटीशन हुआ था पिछले दिनों उसका हम लोगों ने सर्टिफिकेट का वितरण किया। मैनेजमेंट कमेटी गुरुद्वारा और गुरु नानक स्कूल को मैं धन्यवाद देना चाहूँ, विशेषकर गुरु नानक स्कूल के प्रिंसिपल मनोहर लाल जी को मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।